हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको आपके फ़ोन के कुछ ऐसे फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा और उन फीचर्स को आप अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करेंगे, पूरा यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। सो दोस्तों, आप जो है मेरी वीडियो को पूरा यहाँ पे देखते रहिए, स्किप मत करना, वरना आपको जो है कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर आप बाद में कमेंट करते हैं कि भाई मुझे दोबारा से इसके बारे में बताइए, या फिर मुझे पता नहीं चला। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार पे इतना कुछ ऐड किया है, पहले तो है मैं ये हमारा स्क्रीनशॉट का, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट का। फिर ये है कैमरा, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन में जैसे स्क्रीनशॉट जो है वो आ गया, और ये वाला क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन में जो है कैमरा ऑन हो गया। और दोस्तों, ये तीन तो ऑलरेडी पहले से रहते हैं, बैक का, होम का और स्प्लिट स्क्रीन का, ये तीन तो ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे दो और या तीन जितने मर्ज़ी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो काफ़ी यूज़फुल है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और मैंने इसे पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये नेविगेशन बार जो है मैंने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने किसी भी सैमसंग डिवाइस में इसे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक और ट्रिक बताऊँगा, तो वीडियो जुड़े रहिए। मैं आपको यहाँ पर दो हिडन फीचर्स बताऊंगा, दो हिडन ट्रिक्स बताऊंगा, पहली नेविगेशन बार वाली, दूसरी हमारी वर्ल्ड, एक और जो आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो जो है अपलोड होती रहती है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देखें RK न्यूज़ टैग चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा इसको सेट करने के लिए, आपको करना होगा डाउनलोड गुड लॉक ऐप। हाँ दोस्तों, आपको गुड लॉक ऐप जो है इंस्टॉल करनी होगी। और अगर आपके फ़ोन में गुड लॉक ऐप नहीं चलती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक और रास्ता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है गुड लॉक ऐप को अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करेंगे अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो रही है, और एक गुड लॉक एप्लीकेशन के आप फीचर जो हैं कैसे यूज़ कर पाएंगे, पूरा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो कमेंट ज़रूर करना जिनके फ़ोन में गुड लॉक ऐप जो है वर्क नहीं करती है। तो फिलहाल सभी डिवाइस में मैक्सिमम गुड लॉक ऐप जो है वर्क करती है, तो मैं गुड लॉक ऐप जो है ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, गुड लॉक ऐप में बहुत ज़्यादा हिडन फीचर्स हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले मैं आपको नेविगेशन बार वाला बताता हूँ। उसके लिए आपको नैव स्टार में जाना है। नैव स्टार में जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप नेविगेशन बार के स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आपने मेरी तरह सेट कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, उसके बाद आपने बॉटम लेआउट पे जाना है, बॉटम लेआउट पे चले गए, फिर आपने जो है यहाँ पे ऐड बटन, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऐड बटन, ऐड बटन पे जाना है। आप देखते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको बटन्स यहाँ पे मिलेंगे, कैमरा का मिलेगा, स्क्रीन शॉट मिलेगा, स्क्रीन ऑफ का मिलेगा, इंटरनेट का मिलेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, की स्पेस का मिल जाएगा, और यही ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट फॉरवर्ड ओपन नोटिफिकेशन का भी मिल जाएगा। जैसे कि मैं सेट करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने सबसे पहले मैंने इंटरनेट यहाँ पर ऐड कर दिया इसके ऊपर, देखते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया ओपन ओपन नोटिफिकेशन, फिर मैं यहाँ पे डन कर दूँगा, डन कर दिया, फिर मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, तो मैंने यहाँ पे तीन और बना के रखे हुए हैं, मैं बीच वाला यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अभी बनाया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर बैक आ जाऊँगा। तो देखो तो नीचे मेरे जो आइकन्स हैं वो बिल्कुल ही नीचे वाले चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो है आप भी अपने सैमसंग डिवाइस में इन नेविगेशन बार्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो ये फीचर तो आपको मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फीचर में क्या करना होगा आपको, फिर से गुड लॉक एप्लीकेशन पे जाना होगा। तो गुड लॉक एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और फीचर बताऊँगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टी स्टार, तो मल्टी स्टार एप्लीकेशन ये भी आपको गुड लॉक एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इन दोनों ऑप्शन को ऑन करना है, मल्टी विंडो विदाउट पॉजिंग, इनेबल मल्टी विंडो और टू ऑल ऐप्स, और नेक्स्ट आपका पॉप ऑफ व्यू एक्शन, इन तीनों इनों को आपने ऑन कर देना है। कर दिया तो यहाँ पे आप चेंज प्लेट कलर भी हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो है आपने बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद जो है आप मान लो कि कुछ बहुत सारी अपनी एप्लीकेशन खोल के रखी हुई हैं, मान लो कि मैंने यूट्यूब भी यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, और बहुत सारी मतलब कि कैमरा भी मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, तो बहुत कुछ यहाँ पर मैंने खोल के रखा हुआ है। तो आप जो है मल्टी विंडो का यूज़ कैसे कर पाएंगे, ये आपके फ़ोन में फ़ीचर्स है, लेकिन ये जो है कुछ एडवांस फीचर है यहाँ पे जो कि आपको इनके बारे में नहीं पता। जैसे कि मान लो कि मैं अभी गैलरी में हूँ, तो गैलरी को मैं स्प्लिट स्क्रीन कर दूँगा यहाँ से, तो गैलरी ओपन ओपन हो जाएगी, और साथ में मैं नीचे
कुछ भी काम कर लूँगा। मान लो कि मैं यहाँ पे YouTube खोलना चाहता हूँ, तो मैंने YouTube खोल दिया तो ऊपर जो है आप गैलरी भी यूज़ कर पाएंगे और गैलरी में कौन सी फ़ोटो आप देख रहे हैं, और साथ ही में जो है आप नीचे YouTube भी यूज़ कर पाएंगे। तो शायद इस फीचर के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं। और ये फीचर भी आपको जो है मिल जाएगा आपके सैमसंग के डिवाइस में, अगर आप जो है गुड लॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। और इसमें कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा हाई फीचर्स मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर पाएंगे। मान लो कि मैं साथ में गुड लॉक ऐप भी ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर गुड लॉक ऐप भी यूज़ कर पाऊँगा। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं गुड लॉक ऐप के। बाकी फीचर्स के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। और अगर आपके फ़ोन में गुड लॉक ऐप एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।